हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आप जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम लेसन डिस्कस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, ठीक है, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था कि राइटिंग स्किल क्या है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हेन एंड हाउ टू बिगन राइटिंग, यानी कब और कैसे मतलब आप लिखने की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जुड़कर जितने भी इंग्लिश के वीडियोज़ हैं देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बार बार ये कमेंट्स आ रहा है कि सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, क्लियर। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कह रहा है कि और सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट टू पॉइंट स्पेलिंग और जितने भी पॉइंट्स हैं इंग्लिश में ही याद करने हैं, ठीक है। जो ये राइटिंग स्किल यानी व्हेन एंड हाउ टू बिगन राइटिंग है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिया है, तो जो महत्वपूर्ण है मैंने वही पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो पॉइंट यही कह रहा है कि ठीक है, तो अब जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट है कि रिटेन वर्क इज़ टू बी कंसीडर्ड। कंसीडर्ड मतलब क्या होता है, तो सोचना, ठीक है, विचार करना। फॉर्म टू क्वाइट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी इसका हो जाएगा कि लिखित कार्य को दो अलग अलग दृष्टिकोण से माना जाना है, ठीक है। जो रिटेन वर्क है इसको दो अलग अलग लिखित रूप को यानी दृष्टिकोण अप्रोच के रूप में माना जाता है, ठीक है। एज पेनमैनशिप, पेनमैनशिप मतलब क्या होता है, तो पेनमैनशिप मतलब होता है लेख कला, ठीक है, कलमकारी, ठीक। तो कह रहा है एज पेनमैनशिप और सिंपल हैंड राइटिंग और एलिमेंट्री राइटिंग, यानी कलमकारी या लिखित कला या साधारण हाथ से लिखना या प्राथमिक लेखन, ठीक है। और सेकंड जो हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग द लैंग्वेज और एडवांस्ड राइटिंग, इसका मतलब हो जाएगा कि भाषा या उन्नत लेखन सीखने में व्यायाम के रूप में। तो ये आपको दो पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। मतलब कि लिखित कार्य में अलग अलग दृष्टिकोण से माना जाता है, फर्स्ट ये कि एज पेनमैनशिप और सिंपल हैंड राइटिंग और एलिमेंट्री राइटिंग, यानी कलमकारी या साधारण हाथ से लिखना या प्राथमिक लेखन सिंपल। और सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एज फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग द लैंग्वेज लैंग्वेज आर एडवांस्ड राइटिंग, यानी भाषा या उन्नत लेखन सीखने से व्यायाम के रूप में। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको बस ये टू पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। तो देखिए कह रहा है कि पेनमैनशिप, ठीक, द राइटिंग ऑफ द इंग्लिश लेटर इज़ नॉट एन ईजी थिंग फॉर अ स्मॉल पीपल टू लर्न बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी फाइन कंट्रोल ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द फिंगर्स एंड द रिस्ट। मतलब कि यहाँ ये कह रहा है कि जितने भी वर्ड है ईजी है, ठीक है, इसका पूरा मतलब यही हो जाएगा कि जो हस्तकला या लिखित कला होता है, ठीक है, कलमकारी होता है, वो अंग्रेजी पत्र लिखना एक छोटे से शिष्य के लिए सीखने की आसान बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लिए उंगलियों और कलाई की छोटी मांसपेशियों के बहुत अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जब स्मॉल मतलब छोटे बालक होते हैं, उनको सबसे पहले उनके जो मांसपेशियाँ होती है, जो उनकी उंगलियाँ होता है, उस पर अगर नियंत्रण रहेगा तभी तो वो कुछ लिख पाएंगे। तो यही कह रहा है कि अंग्रेजी पत्र लिखना एक छोटे से शिष्य के लिए सीखने की आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए उंगलियों और कलाइयों की छोटी जो मांसपेशी के बहुत ही अच्छे नियंत्रण की आवश्यकता है, तभी वो भले ही वो राइटिंग लिखना हो, एग्जांपल के लिए ऑफ लिखना हो, क्योंकि वो लिखेगा तभी जब उसका जो नियंत्रण रहेगा मसल पे, मांसपेशियों पे नियंत्रण रहेगा कि हमें उंगली को किस तरीके से नियंत्रण करना है। तो पहला पॉइंट तो यही सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेनमैनशिप की द राइटिंग ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, लेटर इज़ नॉट एन ईजी थिंग फॉर स्मॉल पीपल यानी शिष्य टू लर्न बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी फाइन कंट्रोल ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द फिंगर्स एंड द रिस्ट, ठीक। रिस्ट मतलब होता है कलाई।
क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज़ ग्रेट डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग इवन हिज लार्जर मसल्स, यानी एक बच्चे को अपनी बड़ी मांसपेशियों को नियंत्रित करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो बहुत ही मतलब अच्छी बात बोली गई है और आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हो कि एक छोटा सा बालक होता है उसको अपनी मांसपेशियों को नियंत्रण करने में डिफिकल्टी आती है, कठिनाई आती है, ठीक है। बहुत ही प्रयास करने के बाद वो उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो यही कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज़ ग्रेट डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग इवन हैज़ लार्जर मसल। अगला पॉइंट कह रहा है कि वॉच हिम ट्राइंग टू थ्रो अ स्टोन एट एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ मच हार्डर फॉर हिम टू लर्न टू परफॉर्म करेक्टली वेरी स्मॉल एक्शन सच एज ड्रॉइंग द शेप ऑफ अ लेटर। यानी यहाँ कह रहा है कि ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा कि कह रहा है कि वॉच हिम ट्राइंग टू थ्रो अ स्टोन एट एन ऑब्जेक्ट, यानी उसे एक वस्तु पर एक पत्थर फेंकने की कोशिश करते हुए देखो। मतलब कि अगर कोई वस्तु रखा गया है और अगर वो बालक पत्थर लेकर उस वस्तु पर फेंकता है एग्जाम्पल के लिए, तो उसके लिए कह रहा ना इट इज़ मच हार्डर फॉर हिम टू लर्न टू परफॉर्म करेक्टली, यानी उसके लिए बहुत ही कठिन है कि वो बहुत से छोटे कार्य को सही ढंग से करना सीखे। वेरी स्मॉल एक्शन सच एज ड्रॉइंग द शेप ऑफ अ लेटर, यानी पूरा अगर वाक्य बताऊँ तो ये कह रहा है कि उसे मतलब जो छोटा शिष्य होता है, स्मॉल शिष्य होता है, उसे एक वस्तु पर एक पत्थर फेंकने की कोशिश करते हुए देखो, तो उसके लिए यह बहुत कठिन है कि वह बहुत से छोटे कार्य को सही ढंग से करना सीखे, और जैसे कि किसी अक्षर का आकार बनाना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले उसे अपने मसल्स पे नियंत्रण होने चाहिए, क्लियर। तो गाइस अब ये जो आपका ये जो है ट्रेनिंग इन पेमेंटशिप सूट देयर फॉर वी प्रोसीड बाय इजी स्टेप, तो बहुत सारे स्टेप थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही रहना दिया क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। जो इसके स्टेप है पेमेंटशिप के स्टेप, यानी लिखित कला के कौन कौन से स्टेप को अपनाना चाहिए, तो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप उसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। फिलहाल आपको जो आज याद करना है, आज यही याद करना है कि कब और कैसे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। रिटन वर्क इज़ टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम टू क्वाइट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी लिखित कार्य के दो अलग अलग दृष्टिकोण को माना जाता है। फर्स्ट यही एज पेनमैनशिप और सिंपल हैंड राइटिंग, यानी एक तो कलमकारी या प्राथमिक लेखन हो जाता है। दूसरा एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन लर्निंग द लैंग्वेज और एडवांस राइटिंग, ठीक है, यानी भाषा या उन्नत लेखन सीखने में व्यायाम के रूप में, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और आप इसको आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सिंपल आपको कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी इंग्लिश का प्रीवियस वीडियोज है, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको कमेंट्स बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और बार बार ये कमेंट्स आ रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चलाइए, तो गाइस हम फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लासेस चलाएंगे। फिलहाल जैसे ही ये पूरा हो जाता है तो हम उसका भी एक अलग टाइमिंग बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।